ये है द टाइमिंग ऑफ माय डायरेक्टर, द टाइमिंग ऑफ एक्टर्स एंड गुड लाइंस। न्यू कमर्स के से एक अच्छा काम करवाना, ये हमारे डायरेक्टर का क्रेडिट जाता है। एंड आई एम प्राउड ऑफ राजू श्रेष्ठा। वी हैव वर्क टुगेदर इन nth नंबर ऑफ फिल्म्स, बट इन दिस फिल्म एज अ डायरेक्टर अमेजिंगली ही इज वेरी गुड। ही इज हेड एंड शोल्डर अबव सो मेनी डायरेक्टर्स ऑफ टुडे कंटेम्प्रेरीज। आपने बहुत अच्छा लिखा है, लाइन्स आर फैंटास्टिक, और उसके अलावा तो जो सिंगिंग पार्ट है और जो एक्टिंग, जो माया है वो मेरे पड़ोस में है, आपने माया का रोल किया है। अरे थोड़ा सा इधर कर ले रे छोटे, ये माया का रोल इन्होंने किया है। गुड जॉब। शी इज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, शी इज अ सिंगर ऑल्सो इन दिस। ऑल ब्यूटिफुल सॉन्ग्स आर संग बाय करीमा जी, एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। इट्स इंडीड अ वंडरफुल फीलिंग। पहली बात तो ये, आई एम सो लकी दैट आई गॉट राजू जी एज अ डायरेक्टर, एंड विद हिम देन सनी कपूर हु हैज रिटन द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म, एंड इतनी एक्सपीरियंस है उन लोगों को, प्लस जो सीनियर एक्टर्स। आपको लगता नहीं आप कितनी खूबसूरत सी लग रही है, आपका क्या ख्याल है भाई साहब? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, आवाज बहुत अच्छी है। जो गाना इन्होंने गाया है, उनका म्यूजिक जो भी है, सॉन्ग्स का म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, हर चीज में इनका बहुत बड़ा योगदान, म्यूजिकल इनका सेंस है, तो म्यूजिक हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इनकी आंखों में वो जो चमक आता है ना कातिल वाली, मुझे एक शेर याद आ रहा है सनी साहब के, कत्ल करके मुझे कातिल ने बहुत हाथ मले, कत्ल करके मुझे कातिल ने बहुत हाथ मले, जब उसने मेरे तड़पने का सलीका देखा। और इतने बड़े माउंटेन पर बड़े बड़े, जैसे हमारे साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी रिलीज हुई है, तो इसके पहले करण जौहर की पिछले फ्राइडे रिलीज हुई है, तो ऐसे ज़माने में और ख़ासकर जबकि इमीडिएटली पायरेसी भी हो जाती है, ऐसे माहौल में एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर को, एक नए प्रोड्यूसर को हिम्मत होना और इस फिल्म को ऑल इंडिया रिलीज मिलना एक नए प्रोड्यूसर को, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, कि न्यू डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर, न्यू हीरो, न्यू हीरोइन, एंड कंपैरेटिवली अ स्मॉलर फिल्म एज कम्पेयर टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोगों ने ऑल इंडिया रिलीज की इस फिल्म को। अजमेर का जो हमारा जो पहला शो 12 बजे वाला जो शो था, उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत खुश है। यस, इट वाज, जबकि आज फ्राइडे था, हाँ, फिर भी अच्छी है। गुड गुड। तो रमजान जाते तो एज एन एक्टर जाते सिर्फ मेकअप करके अपनी लाइंस बोलकर अपने घर चले आते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टर हैं तो फिर हर डिपार्टमेंट के आप हेड हैं, चाहे राइटिंग हो, एक्टिंग हो, सिनेमाटोग्राफी हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, डबिंग हो, व्हाटएवर, आप हर चीज़ में आपको एक स्टेप लेना होता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत। और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या ये मुझसे नहीं होगा, बहुत कॉन्फिडेंट था मैं, और मुझे लगता है कि जो लोग भी फिल्म देखेंगे उन्हें भी यही लगेगा कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है या ये कमी रह गई या वो कमी रह गई। जो भी फिल्म देखेगा, बड़े पर्दे पर देखेगा, ये मेरी गारंटी है कि उसका पैसा वसूल है। देखिए देखिए, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये जो मेरा हाथ इनके कंधे पे है, ये इज शिवरिंग इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड इज शिवरिंग, यू नो, इट्स अ हैप्पीनेस, इट्स अ हैप्पीनेस कि जितनी फिल्म देखी है, जो रिपोर्ट आई है, इट इज गुड, इट्स वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फिल्म, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, फॉर यू एंड फॉर यू टू।
मजा आया क्योंकि एक सस्पेंस था, हर दूसरे सीन में ट्विस्ट है, करेक्टर कौन कहाँ घूम रहा है, बड़ा उलझा हुआ सब्जेक्ट था। और आप जब सस्पेंस देखेंगे तो आपको अजीब सा लगेगा कि ये कैसे हो, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे इसके डायलॉग लिखने में। और साथ में एक्टर बड़े अच्छे थे, सारे सीनियर एक्टर थे जो मेरी जो लिखी हुई लाइनों को और अच्छी तरह से भूल गए। अभी जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि ये लाइन मैंने लिखा हूँ। सिनेमा मिलेंगे हमको क्योंकि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जो है उसके सिनेमा बड़े खाली होने वाले हैं अभी, तो वो सिनेमा भी हमको मिलेंगे। और उसके बाद बाकी जो सर्किट्स हैं हमारी CI में, CP में और बिहार में, ये फिल्म जो है रमज़ान की वजह से हम लोग रुके हैं। जहां मुस्लिम सेंटर्स हैं वो रमज़ान के बाद हम ओपन करेंगे, ईद वाले वीक में ओपन करेंगे, ईद से पहले ओपन करेंगे। तो ये तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर में, हर गांव में, हर छोटे बड़े सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। और आप लोग इसको थिएटर में देखिए, वीडियो पे मत देखिए, और थिएटर में देखने पे ही मज़ा आएगा इसका। राजू श्रेष्ठा जी की ये पहली फिल्म है। राजू श्रेष्ठा जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट से आपने बड़ा प्यार दिया है उनको, एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर भी उम्मीद है कि आप उन्हें बहुत प्यार देंगे और वो आगे आपको अच्छी से अच्छी फिल्में बनाएंगे। उनका हौसला बढ़ेगा तो उनके हौसले को बढ़ाइए और थिएटर में जाकर ये फिल्म देखिए, ऐसी मेरी विनती है आपसे। सर आप क्या कहेंगे, आपने क्या किरदार किया? सर मैंने जो किरदार किया है वो राहुल मल्होत्रा का किरदार किया है। और ये जिस तरीके से मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है और बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से बनाई है, सो प्लीज़ आप आइए थिएटर में और देखिए इस मूवी को, खूब 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 सारा प्यार दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, ये फिल्म हम लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई है और बड़ी उम्मीद है दर्शकों से, पूरा पूरा हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया इस फिल्म के अंदर। तो रिक्वेस्ट है मेरी दर्शकों से, प्लीज़ एक बार जाके इस मूवी को देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को दें। मैंने इस फिल्म में एक CID ऑफिसर का करेक्टर किया है, राजू जी सीनियर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, तो 4 कॉप्स हैं उनके अंडर में, तो अजय एक कॉप्स मैंने किया उसमें। अच्छा करेक्टर है और अच्छी फिल्म है, आई होप कि